ही एक्टर स्पॉट हुए एक रोमांटिक लवर के करेक्टर में इन क्रोएशिया, तो वहीं अब हाल ही में इन्हें स्पॉट किया गया एज सैम मानेकशॉ। वेल, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं एक्टर विकी कौशल की, जो पोर्ट्रे करते नजर आएंगे इन एन एज सैम बहादुर। जी हाँ, हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया अपनी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर के लिए शूट करते, जहाँ उनकी लुक से लेकर उनका वॉकिंग स्टाइल तक लगा हूबहू सिमिलर एज सैम बहादुर, जिन्होंने इंडियन आर्मी को एज द चीफ हैंडल किया ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। अब अगर विकी के लुक की बात करें तो उन्होंने पहनी थी आर्मी यूनिफॉर्म, एंड उनके फेस के एक्सप्रेशन से लेकर उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनके मुस्टाच तक सब कुछ मैच हो रहा था रियल सैम बहादुर से। वैसे तो विकी के साथ ही उनकी को-एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की भी लुक हमें देखने को मिली। सानिया वॉज वियरिंग अ फ्लोरल बटन डाउन शर्ट एंड अ कार्डिगन। सानिया वॉज सीन इन अ नो मेकअप लुक एंड स्टिल मैनेज टू लुक क्यूट। यानी जहाँ विकी एंड सानिया की तो लुक्स हो चुकी हैं लीक, बट वहीं उनकी थर्ड को एक्टर यानी फातिमा सना शेख को नहीं किया गया स्पॉट। आपको बता दें, सैम बहादुर को लिखा है मेघना गुलजार ने, एंड डायरेक्ट भी वो ही कर रही हैं जिन्होंने तलवार, छपाक, राजी जैसी फिल्म्स को भी अपनी डायरेक्शन दी है, एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉनी स्क्रूवाला। सैम मानेकशॉ फर्स्ट इंडियन ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट किया गया था, जिन पर विकी ने प्रीवियसली स्टेटमेंट देते हुए कहा था दैट ही हैज हर्ड स्टोरीज अबाउट सैम बहादुर फ्रॉम हिज पेरेंट्स हु हेल फ्रॉम पंजाब एंड हैव सीन द 1971 वॉर, बट व्हेन ही रेड द स्क्रिप्ट ही वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। खैर, विकी के साथ ही वी आर श्योर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड होंगे उन्हें इस रोल में देखने के लिए, एंड वी आर ऑल्सो श्योर दैट विकी इज गोइंग टू किल इट। नाउ मोर बॉलीवुड न्यूज, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।